Where are you going, Hussein? Water park. Water park. Are you excited? Yes. ला सकते हैं ये लोग, अब जगह थी ना। दूसरी गाड़ी आ गई। नफिया चला के लाएंगे माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जल्दी आ गए, बहुत लेट हो गए हो। हाँ ना, तैयार तैयार इतनी हो रही थी, इतनी लेट हो गए। चलो अब ड्राइवर चेंज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आज आपको पता है 2 महीने के वेकेशंस पे कोई कहीं जाए नहीं जाए, पिकनिक पे तो सब चले ही जाते हैं, तो ऐसे ही हमारा हाल था कि हम कहीं जाए नहीं जाए। हमने कभी पिकनिक पे तो लाजमी जाना है, क्योंकि पूरे साल में एक ही दफ़ा जाते हैं ये पिकनिक पर। इतना ज़्यादा तो वैसे ही हम घूमते नहीं हैं, कहीं ना कहीं चले जाते हैं, लेकिन कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं घूमते हैं। जो प्लानिंग्स थी हमारी बाहर जाने की इस दफ़ा, नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह, बट वो भी जो है वो थोड़ी सी जो है ना प्लानिंग ख़राब हो गई। सब कज़न्स की थी हमारी, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से हम फिर चुप हो गए। फिर देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। खैर फिर हमने कहा चलो जी वाटर पार्क ही चले जाते हैं, जाओ करियो जहाँ हम जा सकते हैं अकेले भी और सबके साथ भी। तो फिर ये था कि बस हमारी फैमिली थी और सिर्फ कज़न्स गए थे, क्योंकि और तो कोई गया नहीं था। और फिर हम तो अपनी अम्मी को जगह लेकर जाती हूँ, और हमारी अम्मी के साथ सब बच्चे भी खुश रहते हैं, और अम्मी भी हमारे साथ चल लेती हैं, और हम ज़बरदस्ती भी ले जाते हैं अगर अम्मी नहीं जाती। तो हम तो अपनी अम्मी को लेकर आ गए थे, माशाल्लाह से हमने खूब इन्जॉय किया। तो और हम पहुँच गए थे वर्ल्ड एडवेंचर, जहाँ बहुत हमने इन्जॉय किया। थोड़ी सी डिटेल भी मैं आप लोगों को देती रहूँगी टिकट के हवाले से, किस तरह हमने अपने जितना भी हमारा सामान था, सेल फोन्स वगैरह था, हमने किस तरह से सेव करे थे, सामान किस तरह से मंदिर लेके गए थे। तो डिटेल आज की वीडियो में आपको पूरी मिलेगी। टिकट्स आ गए और बस अब हम एंट्री करवाएंगे। वैसे बहुत लेट हो रहा है, 11 बज गए। तो भाई यहाँ पे शराज कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूट टिकट्स, और हुसैन और जुनैर ऐसे देख रहे थे कि कोई मिठाई बट रही है, नहीं मिल नहीं रही हो। हुसैन तो बहुत एक्साइटेड थे, मम्मा मुझे दे दो मुझे दे दो। उन्हें नहीं पता था कि उनका टिकट नहीं है। ये भी शुक्र था कि उनका टिकट नहीं था, बट जुनैरा का टिकट था। तो 3 साल से बड़े बेबी का जो वो टिकट है उससे छोटों का नहीं है। तो यह हमारी एंट्री हो रही थी, और एंट्री पे मैं आपको डिटेल देती हूँ थोड़ी सी टिकट के हवाले से। टिकट काउंटर बाहर ही है, वहाँ से हमें टिकट परचेज़ करे थे। हम वर्किंग डेज में गए थे, तो कोई रश वगैरह कोई ख़ास रश नहीं था। और वैसे भी मैंने तब ये सोचा कि पाकिस्तान में अगर आपने कराची में कहीं भी घूमने जाना है, आपने कुछ भी पिकनिक प्लान करना है, तो फिर आप वर्किंग डेज में करें, क्योंकि आप वीकेंड पर नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा रश होता है। आप ये देख सकते हैं वर्किंग डेज में भी इंटर जब हुए थे हम, बहुत रश था। फिर ये था कि आगे इतना ज़्यादा रश नहीं था, सही लग रहा था। तो यहाँ मैं आपको टिकट की जो डिटेल देती हूँ। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो है टिकट आएगा, और बच्चे बड़ों का सबका 1000। और टाइमिंग है सुबह 10 AM से लेके 5 PM तक, तो ये टाइमिंग है। और यहाँ ये खूबसूरत सा जो है वाटर पार्क, स्लाइड्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स हैंगी। और यहाँ पे फाउंटेन बने हुए हैंगे, यहाँ पे इन्होंने जो ब्रिज बनाया है इसके नीचे भी फाउंटेन टाइप का इन्होंने बनाया हुआ था। बहुत सारी जगहों पे फाउंटेन था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, ताकि इसी तरीके से मज़ेदार से जो है आप पूरी वीडियो देख सकें। मज़ेदार से यहाँ पर आप जो है ना ये पुल देखेंगे, और बहुत इन्जॉय करेंगे आप, और आपका भी दिल चाहेगा कि आप भी कल यहीं जाएँ। हाथ बचा। अरे पानी बहुत छोटा है।
और जी यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के लिए हमने लाइफ जैकेट्स ली थी दोनों के लिए, माइका डक वगैरह ले तो अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं तो फिर माइका लाइफ जैकेट ले लेते हैं। और यकीन करें जब से उसने ये लाइफ जैकेट पहनी थी ना, बस उसने कहते कि मुझे छोड़ दो मम्मा, गंदी छोड़ दो, गंदी गंदी, उसने के मुँह पर यही था मम्मा आप छोड़ दो, मैं खुद जो है ना पानी में नहाऊँगा। और उसने माशाल्लाह से फुल इंजॉय किया। और जुनैरा जो है वो तो वैसे ही बहुत डरती हैं, पानी से ही बहुत डर रही थी। बच्चे यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, ये हमने इनके लाइफ जैकेट्स ली थी जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि ये हमसे लटके हुए हैं। हुसैन का तो फिर भी यह है कि हुसैन थोड़ा सा जो है कर रहे हैं कि सही है, लेकिन जुनैरा ने बिल्कुल हमें तंग किया हुआ है। ये फुल इंजॉय कर रहे हैं, पानी आया अभी। ये स्लाइड थी जालीशपा और शहीद ले रहे थे, हमें बहुत लेट पहुँचे थे, इनकी वीडियो नहीं बन सकी, बट ये बहुत ख़तरनाक थी। स्लाइड रहने के बाद शेरी की बहुत हालत ख़राब हो गई थी और इसको वैसे भी नहीं लेना चाहिए, इस पर कमर में झटका और आपके नेक पे भी झटके आने के फुल चांसेस होते हैं दोनों। यहाँ फुल एंजॉय हो रहा है और अब्दुल रहमान फर्स्ट टाइम आप कजन्स के साथ पिकनिक पे, कैसा लगा फर्स्ट टाइम? Oh my God! Ya Allah! मेरे मियाँ के साथ इतना बड़ा जुलूम। हम सबने चेंज कर लिया था, चेंज करने के बाद हम घर के लिए निकल गए थे। इस तरह से उन्होंने एक गाड़ी बनाई हुई है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। जिस टाइम हम आए थे उस टाइम भी हमने ये गाड़ी की थी और जहाँ जिस प्लेस में हमें बैठना था वहाँ तक ये आराम से गाड़ी ले गई थी और सारा सामान इसमें आराम से रख दें आप। कुछ ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, 150-200 चार्ज आई थिंक जब हम आए थे हमने 200 दिए थे और कोई 150 भी ले रहे थे और वापसी में भी हमने 200 दिए थे। तो ये दोनों दफ़ा जो है हमने इस तरह से ये गाड़ी कर ली थी और बहुत अच्छी थी, काफ़ी बड़ी थी, आराम से सारा सामान आ गया था। ये से के थे क्लिप्स थोड़े से बने हुए और जाते जाते भी हम आए हैं जो है सबका शूट चल रहा था, रास्ते में रुक रुक के सबने शूट वगैरह करवा लिया था, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था। अच्छा हम सबने जो है सामान किस तरह सेफ किया था, हम सबने सारे जितने भी सेल फोन्स थे जितना में हम सबके पास अमाउंट थे सबने जो है वो अम्मी के पर्स में रख के और फिर लॉकर में शहराज और शेरी रखवा के आ गए थे लॉकर में। और लॉकर के चार्जेस 400 थे और बिल्कुल सेफ था माशाल्लाह से, सब चीज़ें सेफ थी। तो हमने शुरू के क्लिप्स बनाने के बाद लॉकर में रखवा दिया था और फिर लास्ट में जो है फिर क्लिप्स बना लेते हैं इस तरह से। तो अलहम्दुलिल्लाह आज का जो पिकनिक था हमारा बहुत अच्छा गुजरा था, बहुत हमने एंजॉय किया और आज सब भी जाएँ यहाँ और खूब एंजॉय करें। जी वापसी में हमने इस तरह से चाय पी ली थी, घर जाके तो किसी की हिम्मत ही नहीं बनाने की। तो अलहम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पिकनिक गुजरा, अलहम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक आप लोग ख्याल रखें।